नशेड़ियों एवं शराबियों के जमावड़े से परेशान ग्रामीण एक व्यक्ति को चाकू मारकर किया घायल। SNMMCH रेफर। बता दें, निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत निरसा मध्य पंचायत स्थित पथलचट्टी के ग्रामीण इन दिनों नशेड़ियों एवं शराबियों के आतंक से काफी भयभीत है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के समीप पुराने बंद पड़े पंप हाउस को नशेड़ियों एवं शराबियों ने अपना अड्डा बना रखा है और देर रात तक वहां बैठकर अड्डेबाजी करते हैं। मंगलवार की रात पथलचट्टी मुठियापाड़ा निवासी रामूराम, जो निरसा बाजार में प्रतिदिन शाम को नाश्ता का ठेका लगाते हैं, मंगलवार की रात को भी प्रतिदिन की भांति ठेला लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी बंद पड़े पंप हाउस में अड्डा मार रहे नशेड़ियों ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और उनके पास से पैसे भी छीन लिए। रामू राम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तब वो अपने घर पहुंचे और सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन घायल रामू राम को लेकर निरसा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMMCH भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मामला है? ये रामू राम मोटियापाड़ा निरसा का निवासी है। निरसा बाजार में अपना दुकान चलाते हैं। चलाने दुकान बंद करके अपना घर जा रहे थे। घर जाने के क्रम में आपका एक पुराना बोरिंग का क्लब है बाबुलदा का घर के पीछे, पंप हाउस, उसमें चार पांच लड़का बैठ के वहाँ पे दारू, गांजा, सिगरेट जो भी अपना नशा का सेवन करता है। और उसी क्रम में जाने के समय इन पे हमला कर दिया गया। चाकू इनका बाया साइड तरफ मार दिया गया। आप 2000 रुपया लगभग जो दुकानदारी करके जा रहे थे सारा पैसा छीन लिया गया। आपका परिचय? हम निरसा मध्य पंचायत का 4 नंबर वार्ड, मेरा वार्ड का आदमी है। नाम? राम कुमार साहब। ये जो घटना घटी है कुछ मालूम है इसके बारे में? कुछ जानकारी बताया तो वहाँ पर ही तो मालूम नहीं है सर, लेकिन वहाँ पर ही तीन मैंने कि मेरा बस्ती के भी और हरसार मोहल्ला के बस्ती के भी और मोटिया पड़ा के ही पथलचट्टी पर के ये तीन लड़के मैंने कि वहाँ पर ही तीनों मोहल्ला के आदमी वहाँ पर ही सुबह शाम दारू गांजा हमीन जो भी होता है जो सब पीता है और खाता है पंप के पास। मैंने वहीं पे हमला हुआ और वही लोग किए क्या? वही लोग किया। रोज पीता खाता है और रोज वहीं पर ही करता है, रोज चोरी डकैती भी करके आता तो वहीं पर ही रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं मिला। बोरिंग का कितना सामान है सब चोरी कर लिया? सब वही लोग बेचा खोचा कर कार्रवाई नहीं मिला। था सब सब स्टील स्टील सब चोरी कर लिया। 11 बजे मेरा रोज दुकानदारी बंद होता है, रोज घर आ जाते हैं। और रात में उनको गमछी ओढ़ा के पैसा भी छीन लिया और प्लस में चाकू भी मार दिया उनको। जब बेहोश हो गए तो आधा घंटा के बाद में घर में आया, जब हम लोग को आके बताया कि ऐसा ऐसा बात, तब हम लोग गए वहाँ देखे तो वहाँ खून उन भी बोरिंग के रूम में खून भी गिरा हुआ, खून पोछा हुआ, खून सब हल्का पोछा।